नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक समाचार से, बस स्टैंड में एक संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव मिला है और यहां पर जब से ये जानकारी सामने आई है तब से हड़कंप मच गया है बस स्टैंड इलाके का ये मामला। कुछ देर पहले भी हम यहां पर बस स्टैंड में पहुंचे थे लेकिन यहां पर अब जानकारी ये मिल रही है कि एक शव जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव मिला है और यहां पर SDPO जो है वो भी पहुंचे हुए हैं, थानेदार जो है वो भी पहुंचे हैं, पुलिसकर्मी जो है वो पहुंचे हुए हैं। ये शख्स कौन है, किसकी ये बॉडी है, कैसे इसकी मृत्यु होगी, इस बात की अभी कोई जानकारी नहीं है। लोग यहां पर देखें आप काफी एकत्रित हुए हैं और हम भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये शख्स जो है वो आखिर है कौन, कहां का ये शख्स है। लेकिन पुलिस भी जानकारी जो है वो एकत्रित कर रही है। हमारे साथ हमारे एक सहयोगी पत्रकार हैं जो इस दौरान अभी कुछ देर पहले ये भी यहाँ पर मौके पर थे। अच्छा रिखा जी, ये मिली जानकारी कौन से? बिल्कुल दीपक जी, आप भी मेरे साथ ही थे जब हम एक खबर करने यहाँ पर पहुंचे थे, तो इसमें ये बताया गया ये यहीं पर बैठता था, यहीं पर सोता था, अगर कुछ कोई खाने को दे दे तो खा लेता था, अगर नहीं कोई दे तो नहीं। और लेकिन 2-3 दिनों से इसे टांग पर कोई फ्रैक्चर आया हुआ था, लगी हुई थी, ये चल नहीं पा रहा था और यहीं पे पड़ा रहता था। लेकिन अच्छा विकास जी, हाँ मैं यही कि हम जब खबर करने आए तो यही देखा कि ये इंसान यहाँ पर डेड पड़ा है। मैं ये दीपक जी, ये जरूर हैरानगी की बात है, आप भी यहाँ आए, खैर आपने देखा नहीं, आप जल्दी में थे, अगर और कोई खबर थी तो आप चले गए, लेकिन पूरा बस स्टैंड था, किसी ने इसे देखा नहीं। सुबह से ये बेचारा डेड पड़ा हुआ था, जब हमने देखा हमने पुलिस को कॉल की, उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची। लेकिन क्या मैं ये पूछना चाहूंगा, खाली यही जानना चाहूंगा, क्या लोगों में इंसानियत जो है मर चुकी है? ये इंसान तो गया, ये शख्स तो गया, क्या लोगों की इंसानियत भी इसके साथ जा चुकी है? क्योंकि सुबह से ये इसी तरह पड़ा था और आने के बाद हमने देखा, उसके बाद पुलिस को कॉल की। क्या आसपास जितने भी लोग दुकानदार हैं या फिर जितने भी लोग आसपास घूमते हैं या बैठे थे, उनमें से कोई कॉल नहीं कर सकता था पुलिस को? चोरियां करते हैं, उनको नहीं पता लग रहा? वही ना, आज रात को जब यहाँ एक चोरी होती है तो फिर चोर भी यहाँ पकड़ा जाता है, लेकिन क्या इस तरह का कोई देखा नहीं? हाँ ये जरूर कहा जा रहा है कि बाहर का था, यहाँ पर कई साल से रहता था, मांगता था, अगर कोई खाने को दे देता था खा लेता था, अन्यथा ये यहीं पर बैठा रहता था। और कुछ दिनों से ये लगातार बीमार जरूर चल रहा था, बीमारी के चलते ये उठ नहीं पा रहा था, एक टांग को भी इसे पिछले कुछ दिनों से लगी हुई है और जिसके कारण ये कल से काफी ज्यादा बीमार था। और सुबह जब कुछ दुकानदार इसे देखते हैं, हालांकि कोई ध्यान नहीं देता, और सुबह से ही ये इसकी जो मृत्यु थी वो हो चुकी है। ये देखें, ये शख्स जो था वो बीमार भी चल रहा था, यहीं पर बैठता था, यहीं पर सोता था, यहीं पर रहता था, लंबे समय से यहीं पर बैठता था। बस स्टैंड के भी लोगों को जानकारी नहीं थी कि इस शख्स की मृत्यु हो गई है, और क्योंकि हम भी यहाँ पर पहुंचे थे एक खबर करने के लिए, यहाँ पर एक चोरी का मामला आया था, वो भी कुछ समय के बाद आप हमारे चैनल पर उस खबर को देखोगे, लेकिन इस शख्स के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। और जैसे ही जानकारी मिली तो उसके बाद पुलिस को इत्तला की गई है और पुलिस जो है वो यहाँ पर मौके पर पहुंची है और जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, देखा जा रहा है कि आखिर ये कौन शख्स था, कहाँ का ये शख्स था, इसकी मृत्यु कैसे हुई है, कारण क्या है, कोई इसको मार के चला गया या कोई और वजह है, ये सारी चीजें जो है वो अभी जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और जो निकल कर सामने आएगा वो देखने वाली बात है। लेकिन ये जैसे हमारे ही सहयोगी पत्रकार जहाँ पे बता रहे हैं कि ये शख्स यहीं पर रहता था और यहीं पर इसकी सुबह से ही मृत्यु हो गई थी, लेकिन लोगों को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये चीजें जो है जब जांच होती है निकल कर बाहर आती है तो पता चला क्या निकल कर आता है कि कैसे मृत्यु हुई, कौन ये शख्स था, क्या था। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत, नमस्कार।